प्यारे विद्यार्थियों, अकाउंटिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल प्राइस लिस्ट कैसे बनाई जाती है तथा वोचर एंट्री में उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल प्राइस लिस्ट इन्वेंटरी फीचर्स में बनती है जब हम इस फीचर को यस करते हैं। इसके यस का क्या मीनिंग है? इसके यस का मीनिंग है कि आप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अलग-अलग प्राइस है, तो हम एक डाटाबेस तैयार कर सकते हैं प्राइस लिस्ट का, भिन्न भिन्न प्रोडक्ट्स की और भिन्न भिन्न इन्वेंट्री ग्रुप्स में। तो मैंने इसको यस किया। अब आप आगे देखते जाइए, कंपनी के रिटेल प्राइस लेवल बना लेते हैं। रिटेल नंबर दो पे होलसेल, सेल नंबर तीन पे कस्टमर। तीन लेवल हैं, रिटेल, होलसेल और कस्टमर। इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब वापस आइए, आप इन्वेंट्री इन्फो में जाइए, इसको क्लिक कीजिए और इसमें जाके आप प्राइस लिस्ट बना लीजिए। इसको बनाने से पहले आप अगर बना सकते हो तो इन्वेंट्री ग्रुप बनाइए और स्टॉक आइटम्स बना लीजिए। जैसे मैं रॉ मटेरियल की ये प्राइस लिस्ट बनाने वाला हूँ। मान लो कि अगर कैबिनेट 5 से 10 हज़ार के बीच में बिके तो उसकी प्राइस मान लो 2 हज़ार हो, और 10 हज़ार से 20 हज़ार के बीच में बिके तो उसकी प्राइस 1500 हो। ऐसे ही मैंने रख दी सीपीयू की। यदि ये 5000 यूनिट सेल होती है रिटेल में तो इसकी कीमत है 1000। अगर 5 से 10 हज़ार में है तो इसकी कीमत मैंने फिक्स की है 500। ऐसे ही इसमें 5000 से कम हो तो पिन एक होगा 100 रुपये का, और 5 से 10 हज़ार के बीच में सेल हो तो इसकी है कीमत 50 रुपये। इसको कीजिए एक्सेप्ट। ऐसे ही रॉ मटेरियल आप कस्टमर के भी बना सकते हो, होलसेल के भी बना सकते हो। मान लो कस्टमर के लिए आप 5000, यहाँ प्राइस 3000 लिख सकते हो, और 5 से 10 हज़ार के बीच में है तो प्राइस 2000। इसको ऐसे ही आप बनाते जाइए, अलग अलग तरह की आपके पास लिस्टें आ जाएंगी। अब हम वोचर एंट्री करेंगे इन अकाउंटिंग वोचर्स में, और सेल वोचर हम कर रहे हैं। मान लो कि हम क्रिएट करते हैं एक कस्टमर, यह है बी कस्टमर, कस्टमर संडे डेटा। इसमें प्राइस लेवल एप्लीकेबल रिटेल 9,
नो नो एंड इसको कीजिए आप एक्सेप्ट। सील है, आइटम है, कैबिनेट। मान लो कि ये 6,000 की सेल होती है तो इसका रेट अपने आप ही आ जाएगा 2,000 रुपये। मान लो यही कैबिनेट है, इसकी सेल अब 4,000 होती है, लेस देन 4,000, इसकी प्राइस अपने आप ही आ जाएगी। नहीं आई तो इसका कम से कम 5,000 तो होना ही चाहिए। ऐसे ही सीपीयू, इसकी अगर 6,000 है तो इसकी प्राइस अपने आप ही 500 आ गई। ऐसे ही पिन है, इसके 7,000 है सेल तो इसकी प्राइस अपने आप ही 50 रुपये आ गई। इसको कर दीजिए आप एक्सेप्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।